डरा हुआ सब कुछ, भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। तेजस्वी यादव अपने विधायकों के साथ क्रिकेट खेलेंगे, जेडीयू के विधायक इसी तरह खुला घूमते रहेंगे और कोई भी उनको अपने बस में कर सकता। क्या वहां पर विधायकों को कैद किया जाएगा? तेजस्वी के जो भी नेता हैं और वो धीरे धीरे करके आ रहे हैं, नीतीश कुमार के खिलाफ मत करना है। नहीं, विधायक अंदर जाते हैं उनका फोन जो है वो जब्त कर लिया गया। और कल देर रात तेजस्वी यादव ने महागठबंधन की एक बैठक बुलाई और उस बैठक के बाद ये निर्णय लिया कि सारे विधायकों को यहीं रहना है। और देखिए तेजस्वी यादव का ये अब बंगला है और सारे विधायक महागठबंधन के जो विधायक है, राजद के, सीपीआई एम के, सीपीआई एमएल के सारे विधायक जो है वो यहाँ पर बंद है। और ये तेजस्वी यादव का मुख्य उप मुख्यमंत्री का आवास है जो अभी तेजस्वी यादव ने खाली नहीं किया है। सभी विधायक इसी के अंदर हैं। देर रात तक सभी विधायक जो है वो बैठकर रणनीति बना रहे थे कि किस तरीके से हमें फ्लोर टेस्ट के दिन जो है अपने आप को कंफर्टेबली रखना है, या फिर यूं कहे कि नीतीश कुमार के खिलाफ मत करना है। और पूरा विचार अंदर जो है वो बन रहा है। विधायकों को इसलिए बुलाया गया था कि आप आइए, यहाँ पर बैठक किया जाएगा, जलपान की व्यवस्था है, यानी कि भोज का आयोजन किया गया है। और जैसे ही विधायक अंदर जाते हैं उनका फ़ोन जो है वो जब्त कर लिया गया और उसके बाद जो है उनको ये कहा गया कि आपको अब अंदर ही रहना है। तो देखिए तेजस्वी यादव का एक बड़ा फैसला ये भी था कि आपको अंदर रहना है। और जब विधायकों को ये पता चला कि उनको अंदर ही रहना है, तब उनकी गाड़ियाँ जो हैं और वो घर जाती हैं, वहाँ से कपड़े जो हैं वो लाए जाते हैं। और देखिए सुबह सुबह जलपान की व्यवस्था की गई, फल फ्रूट जो है वो अंदर भेजा गया, चाय नाश्ता जो है वो अंदर भेजा गया। और उसके बाद देखिए तेजस्वी यादव का ये एक निर्णय है। डरा हुआ सब कुछ, भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। उनके विधायक बोध गया में प्रशिक्षण शिविर पर है, हैदराबाद में कांग्रेस के विधायक हैं, जेडीयू के विधायक जो हैं वो पटना में ही हैं, लेकिन धीरे धीरे वो विधायक जो हैं वो अब टूट के कगार पे हैं। अगर देखा जाए तो सिर्फ जेडीयू के ही जो विधायक हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, यानी कि पटना में हैं, लेकिन उसमें से भी 8 विधायक जो हैं वो गायब हैं। देखिए किस तरीके से तेजस्वी के जो भी नेता हैं और वो धीरे धीरे करके आ रहे हैं। विधायक तो अंदर हैं, विधायक तो बाहर आ नहीं सकते हैं। और इसमें भी एक बड़ी बात ये है कि नीलम देवी जो है वो यहाँ पर नहीं पहुँच पाई। कल देर शाम की एक रिपोर्ट थी कि नीलम देवी जो है वो नहीं पहुँच पाई थी। हालाँकि सारे विधायक अंदर हैं, नीलम देवी को छोड़कर सभी विधायक, 78 विधायक राजद के और वाम दल के 16 विधायक जो हैं वो अंदर मौजूद है। कांग्रेस के 16 विधायक, 19 में से 16 विधायक हैदराबाद में है। 3 विधायक जो यहाँ पर हैं वो यहाँ पर उपस्थित नहीं हो पाए। और अब कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव अपने विधायकों के साथ क्रिकेट खेलेंगे, हॉकी खेलेंगे, कुछ खेलेंगे और उसके बाद उनका मन बहलाएंगे। आज पूरे दिन पूरी रात जो है विधायकों को यहीं रहना है। कल यहाँ से सुबह सुबह सारे विधायक निकलेंगे विधानसभा के लिए, फ्लोर टेस्ट में जाएंगे, क्योंकि डर इनको भी है, इस बात का डर है कि कुछ भी हो सकता है। अगर हम जेडीयू के और भाजपा के विधायकों को तोड़ रहे हैं तो जेडीयू और भाजपा भी राजद के विधायकों को तोड़ सकती है, कांग्रेस के, वाम दल के विधायकों को तोड़ सकती है। तो इसलिए ये सब कुछ किया जा रहा है। देखिए बोधगया में प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, वहाँ भी भाजपा के 2 से 4 विधायक जो हैं वो नहीं पहुंच पाए हैं। जेडीयू के 8 विधायक जो हैं वो शरण कुमार के यहाँ भोज में नहीं पहुंच पाए। आज भी जेडीयू का विजय चौधरी के घर भोज है और देखने वाली बात है कि वहाँ पर कौन कौन पहुंचता है। क्या वहाँ पर विधायकों को कैद किया जाएगा या फिर जेडीयू के विधायक इसी तरह खुला घूमते रहेंगे और कोई भी उनको अपने बस में कर सकता है। तो ये तस्वीर तेजस्वी यादव के आवास की है। देखिए किस तरीके से चहलकर्मी जो है वो बढ़ी हुई है। कल देर शाम यहाँ पर बैठक बुलाई गई थी, 3 बजे से 5 बजे तक कहा गया कि बैठक होगी, उसके बाद भोज का आयोजन होगा। लेकिन जैसे ही 5:30 साढ़े 6 बजे तक ये रिपोर्ट आ गई कि अब सभी विधायक जो हैं वो अंदर रहेंगे, पिछले अगले 2 दिन तक सभी विधायक जो हैं यहीं पर बंद रहेंगे। तो ये जो विधायक हैं वो 10 तारीख को अंदर गए हैं देर शाम, आज 11 तारीख है, आज पूरा दिन वो विधायक जो हैं वो अंदर रहेंगे। और उसके बाद सभी विधायकों को 12 तारीख को अगले सुबह जो है वो फ्लोर टेस्ट के लिए ले जाया जाएगा। तो देखिए पूरी तैयारी तेजस्वी यादव ने कर रखी थी, हालांकि विधायकों को पता नहीं था, लेकिन तैयारी पूरी थी कि किस तरीके से विधायकों को अपने साथ इस बंगले में रखना है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे नई इंडिया टॉप।